तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक और नए व्लॉग पे। और जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे बैठे हुए पापा और भाई अंदर लेट रही है मम्मी, ठीक है, क्योंकि ठंड का टाइम है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है और बुढ़े आदमी वैसे हैं तो ठंड तो लगेगी। जब हमारे जैसों को लग जाती है तो ये तो बुढ़े आदमी है। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे एक और नए व्लॉग पे। और जैसे कि आपने पिछला व्लॉग हमारा देखा होगा कि तुम्हारे भाई ने जो एक माइक मंगाया है कुछ नया ट्राई करने के लिए, आप लोगों के लिए कुछ एंटरटेनमेंट से भरपूर चीज़ बनाने के लिए, तो आपने देखा उसमें BM 800 कॉन्सीडर माइक था उसमें। तो जैसे कि आपको देखा कि गाँव में काम कर रहा था, वहाँ पर उन भैया से मैंने अनबॉक्सिंग कराई थी और आज मैं छुट्टी पे हूँ क्योंकि भाई मैंने बताया था कि उनके घर पे जो भाभी है वो प्रेग्नेंट है, तो आज वो भाई उनके भाई प्रेग्नेंट थी तो हॉस्पिटल में एडमिट है और उनके घर में हुई है लड़की, तो हमने उनको कंग्रेचुलेशन बोल दिया है। और बाकी जब हम जाएंगे तो आपको दिखा देंगे तो भाई कैसी है और कितनी है, क्योंकि लड़की तो वैसे भी सुंदर ही रहती है। तो अब जो हम करने वाले हैं भाई, पापा से अनबॉक्सिंग करवाएंगे उस चीज़ की और मैं ये भी दिखाऊंगा आपको कि क्या क्या सामान लाए हैं और इसका फुल सेटअप दिखाऊंगा। बस आप वीडियो को है ना बिल्कुल भी छोड़ना मत ना, क्योंकि आपने जहाँ भी इसको स्किप कर दिया या छोड़ दिया तो वहीं पे इंटरेस्टिंग चीज़ें आप देखना भूल जाओगे। जो मेरा पता नहीं कि मैं आपको कब कौन सी चीज़ बोल दूँ वीडियो के बीच में, तो आप उस चीज़ को छोड़ दोगे, मिस कर दोगे। तो ये रिक्वेस्ट आपसे है, अगर वीडियो पर आए गए हो आप, अब आप इस वीडियो को देख रहे हो तो भाई पूरे ही देख के जाना, ठीक है ना। मेरे पे इतना रहम कर देना, मेहरबानी कर देना, क्योंकि तुम्हारे भाई का चैनल मोनिटाइज है, कमाई कुछ भी हो नहीं रही है, तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, सब्सक्राइबर भी कोई नहीं बढ़ रहे हैं। तो ऐसा मत करो भाई, मैं आप लोगों के लिए ही काम कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को नई नई चीज़ दिखाने की कोशिश करता हूँ। और अब भी मेरे में इतनी हिम्मत आई है कि मैं कुछ नया करने का ट्राई कर रहा हूँ। बस ये है कि भाई देखो मजाक तो उड़ाएंगे लोग, लेकिन मुझे मजाक से कोई परवाह नहीं है, मुझे अपनी फैमिली से मतलब है, जैसा मेरी फैमिली बोलेगी ऐसा मैं करूँगा। तो चलते हैं और सीधा दिखाते हैं आपको माइक की अनबॉक्सिंग, वो भी पापा के साथ में। चलो तो भाई देख सकते हो, ये भाई फ्लिपकार्ट से मंगवाया हुआ प्रोडक्ट है, देख लो। अब इसकी अनबॉक्सिंग करवाएंगे पापा से और देखते हैं इसमें क्या क्या सामान मिलेगा। ये भाई देख लो, ये वही ग्रिल है, टावर ऑफ पहले सामान निकालो, एक डब्बा निकाल के रखो ना, फिर लाइन से फिर निकालना, तो भाई बताना पड़ता है। तो देख सकते हो एक ये लिखा है, एक ये निकला है, तो भाई मैं इसको स्टैंड पे लगा देता हूँ फोन को। ये निकला है कुछ, ये स्टैंड सा है भाई, एक मिनट रुको। तो गाइस देख सकते हो आप, जैसे कि हमने सारा का सारा सामान जो है अपना डब्बे में से बाहर कर लिया है, ये बड़ा बॉक्स था हमारा, इसमें ये सारा सामान आया है। और जैसे कि आप देख सकते हो, ये एक भाई आया है तुम्हारा लाइव साउंड कार्ड बोलते हैं इसको, इसके अंदर फंक्शन दिए गए हैं बहुत सारे, जो सा भी आपको आवाज़ चाहिए वैसी ही आवाज़ ये कर देगी, आदमी की औरत की गधे घोड़े कुत्ते सारी चीज़ कर देगी है, ठीक है। यहाँ पर इसका बेस वगैरह ट्यूबल वगैरह सारी चीज़ बदलने का सिस्टम है, और इसमें हम अपने सारे के सारे कनेक्ट कर सकते हैं, फ़ोन वगैरह माइक वगैरह चार्जिंग वार्जिंग सारी चीज़ कनेक्ट कर सकते हैं। और एक ये है हमारा माइक, वो भी बहुत हैवी क्वालिटी में है, बहुत वजन है इसके अंदर, तो इसमें भी भाई साहब बहुत हाई क्वालिटी का माइक लग रहा है मेरे को, और काम भी ऐसा ही करना चाहिए, वो सब चीज़ टेस्ट करने के बाद पता चलेगा कैसा काम कर रहा है। और एक ये हमारा पॉपअप आ जाता है, ये भी फोन फिल्टर है, इसके आगे यूँ लगाया जाएगा ये, तब ऐसे बात कर सकते हैं हम, तो जब जाके जो है इसमें साउंड एकदम क्लियर में आएगा, झंझनाहट पैदा नहीं होगी। और ये भी इसी चीज़ का है, जब हम ये इसको सॉफ्ट ग्रिल बोलते हैं, एक तरीके से सॉफ्ट होल्डर रहता है ये, जिससे ये हिलेगा नहीं, तो आपको है ना झंझनाहट पैदा नहीं होने की माइक के अंदर, एकदम बढ़िया आवाज़ आएगी। फिर एक हमारा ये आ जाता है वोकल, इसको वोकल बोलते हैं, डबल जाली में, ये भी फिल्टर हो गया, आवाज़ हमारी आगे जाएगी। एक ये वायर आ जाता है हमारा, जो यहाँ पर माइक के अंदर लगेगा यहाँ पर, और ये इसके अंदर लगेगा। फिर हमारा एक डायनेमिक माइक के लिए अलग से दिया हुआ है इसके अंदर, कि अगर आपके पास डायनेमिक माइक इस्तेमाल करना चाहते हो ये उसके लिए है, तो आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हो, ये एक एक्स्ट्रा होल्डर आता है। एक ये आ जाता है कनेक्टर, जिससे भी हम अपने मोबाइल वगैरह सारी चीज़ कनेक्ट कर सकते हैं। एक भाई इसकी स्टैंड ग्रिप क्लिप आ जाती है, जिसको हम क्लिप को स्टैंड करके लगा सकते हैं, ये रही। और इसको हम इसमें स्टैंड करेंगे, ये हमारा एक टावर है, इसको ग्रिल बोलते हैं हम, ये हमारे इसमें काम आएगा माइक लगाने में, तो इसको जो है हम यहाँ पे ऐसे अटैच कर देंगे और इसको हम कहीं भी क्लिप को टाइट कर देंगे, तो ये वहीं पे जाम हो जाएगा जैसे हमें चाहिए, तो देख सकते हो आप। और इसका जो है फुल सेटअप दिखाऊंगा आपको कि कैसी आवाज़ आती है इसमें, कैसा ये काम करता है, वर्क करता है, ठीक है। और ये गाइस मैंने, और इसके साथ में 3 डाटा केबल भी आती है हमारी, जिसको हम यहाँ पर लगा सकते हैं, जैसे कि मैं दिखा दूँ आपको, ये चीज़ है जो यहाँ पर सारी चीज़ लगेगी, देख सकते हो आप, एक लाइन लिप 1 है, लाइन 2 है, और भाई
कंटेम्प्री इंस्ट्रूमेंट है, मतलब तुम्हारे पास कोई वो भी है गिटार वगैरह या पियानो वगैरह है तो वो भी है, यहाँ पे सेट अटैच कर सकते हो। एक चार्जिंग है, एक ईयरफोन है इसमें, एक हेडसेट है इसमें, एक कॉन्सीडर माइक है, ये माइक का तार इसके अंदर लगेगा। तो ये बहुत एक जादू वाली चीज़ है और इसी की मदद से हम अपना आगे वर्क बढ़ाएंगे और अपनी आवाज़ को थोड़ा शानदार करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि देख सकते हो आप। और गाइस ये मुझे हम ये मंगाया फ्लिपकार्ट से, फ्लिपकार्ट के द्वारा ये आया है, तो इसका प्राइस मुझे पड़ा है 3001 रुपये का, 3001 रुपये का ये माइक पड़ा है मुझे फ्लिपकार्ट से। और गाइस आपको एक चीज़ और बता दूँ, इसके साथ हमको एक चीज़ की और ज़रूरत पड़ेगी, वो चीज़ इसके अंदर है नहीं, उस चीज़ के लिए मैं 2 दिन से इंतजार कर रहा था, अब जाके मैं मुझे वो चीज़ मिली है। तो भाई मैं आपको वो चीज़ भी दिखा देता हूँ, क्योंकि आपके भाई का इस टाइम बहुत ज़्यादा खर्चा हो चुका है और कमाई भी 1 रुपये की नहीं हुई अभी तक यूट्यूब से, तो बहुत ज़्यादा दुख भी है और कुछ खुशी भी है इस चीज़ की। भाई दुख इस चीज़ का है कि यूट्यूब से कोई कमाई नहीं हुई, और खुशी इस चीज़ की है कि हमने अपनी कमाई से ये चीज़ ला दी। तो भाई ऐसे ही चलता है, तो मैं दिखाता हूँ आपको वो चीज़ भी। सामान तो ला रहा खरीद के, पर घर में परेशानी कितनी हो रही है वो मैं ही जानता हूँ। अच्छा, तो गाइस आप देख सकते हो, एक हमें हेडफोन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें अपनी आवाज़ सुननी पड़ेगी कि हम इसके अंदर कैसी आवाज़ सेट कर रहे हैं, कैसी सेट नहीं कर रहे हैं, उसके लिए हमें हेडफोन की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम एक ये JBL का हेडफोन लेके आए हैं, और भाई इसकी जो कीमत है 950 रुपये की कीमत है, JBL का हेडफोन है ये, बाकी तो 2000 रुपये के मिल लेते हैं, वो अपनी औकात से बाहर जा रहे थे और ना ही इतने पैसे थे। तो भाई ये बड़ी मुश्किल से लेके आए हम, 950 रुपये खर्च किए हैं इसमें। तो और जो मुझे चाहिए था वो मिल भी नहीं रहा था, हमें चाहिए था वायर वाला जिसके अंदर वायर लगा हुआ, लेकिन वो वायर वाला नहीं मिला, उसके लिए हमें अलग से एक वायर खरीदनी पड़ी है, जिसको भाई होस वायर बोलते हैं। दोनों तरफ इसमें 3.5 mm जैक का वो लगा हुआ है, एक को हम माइक में लगाएंगे, एक को हम इसमें लगाएंगे अपने हेडफोन में, और एक को हम यहाँ लगाएंगे इसके अंदर। ये हो गया हमारा हेडसेट, यहाँ पर लगाएंगे जब जाके ये इसका काम करेगा। और गाइस ये ब्लूटूथ पावर से भी चलता है, जैसे अब इसको यहाँ से ओके करेंगे तो ये ब्लूटूथ इसका ऑन हो जाता है, हम इसको ब्लूटूथ से भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो आपको कैसा लगा ये हमारा छोटा सा ब्लॉग आप बताना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि मैं इसका पूरा का पूरा आपको सेटअप दिखाऊंगा, कैसे काम करता है कैसे नहीं करता है। बस वीडियो पे आप बने रहना, वीडियो मत छोड़ना भाई, क्योंकि आपके भाई ने बहुत मेहनत करी है इस चीज़ के लिए, और पापा इसकी अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, दिखाएंगे आपको कैसा है ये। तो गाइस एक लाइक ज़रूर कर देना, अनबॉक्सिंग हो रही है भाई हेडफोन की, तो आप इसकी एक लाइक ज़रूर कर देना। कमेंट करके आप कुछ भी पूछ सकते हो, अब हमारे भाई हर संडे को सुबह ही आएगा, तो वो चीज़ भी अब होएगी, तो आप ज़रूर भाई कर सकते हो, पूछ सकते हो। तो ये देख सकते हो आप, ये हेडफोन भाई JBL का हेडफोन है, सारी चीज़ है इसके अंदर। वैसे तो ये ब्लूटूथ से भी चल सकता है, ब्लूटूथ भी चल सकता है इसमें, और भाई मेमोरी कार्ड भी डल सकता है इसके अंदर। और भाई पता नहीं मुझको कि इसके अंदर FM है या नहीं है, बाकी ये ऐसे काम करेगा, इसका ऐसे लगाएंगे आप, और भाई ये अपने ऐसे लगा रहेगा लाइन के अंदर, आप ऐसे देखेंगे अपने भाई को, देख सकते हो। ठीक है, तो कुछ नया ट्राई करने के लिए कुछ नया करना ज़रूरी है, जो YouTube हमेशा कहता है अपने व्यूवर्स को कि हमेशा कुछ नए ही ट्राई करो, तो हम भी कुछ नया ट्राई करने के लिए आ गए हैं, तो आप भी ये चीज़ देख सकते हो। ये बहुत मेहनत लगी है, लेकिन भाई इस वीडियो पे जो है मेरे को कम से कम भाई साहब 200 लाइक तो नहीं, तो बहुत छोटी डिमांड कर रहा हूँ मैं, वरना लोग लाखों लाखों तक लाइक के डिमांड करते हैं, कम से कम 100-200 लाइक तो दे दो इसमें। ठीक है गाइस, इतना ज़रूर कर देना, क्योंकि ये चीज़ बहुत मेहनत से आई है और खून पसीने की मेहनत लगी है इसमें जब ये आई है। अगर यूट्यूब से आती तो मैं कह देता आपको कि ये मेरी यूट्यूब मनी की कमाई से आई हुआ चीज़ है, पर लेकिन ये मेरी भाई साहब खून पसीने की मेहनत से कमाई हुई चीज़ है, जिसको मैं यूट्यूब पर लगा रहा हूँ सिर्फ आप लोगों के भरोसे, कि आप लोग एक ना एक दिन तो साथ दोगे, एक ना एक दिन तो आओगे आप, तो आप देख सकते हो। तो गाइस इसको जो है हम चेक करेंगे और फिर आपको दिखाएंगे कि ये कैसे वर्क करता है, तब तक के लिए ब्रेक मांगते हैं, और आप जो है एक सिनेमेटिक शूट देखना और बताना कैसा लगा। I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the
hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour, take a cold shower. Scream until you're louder, work until you're prouder. And f*** all the doubters, they're just your downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm f***ed off at these f***ing clowns. Hoover up taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. चलिए गाइस, हम करते हैं इसके सेटअप की तैयारी और इसको सेट करते हैं और आपको दिखाते हैं। तब तक आप मजे लेना, देखना कि कैसे कैसे मैं सेटअप कर रहा हूँ और शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना जिससे कि आपको पता चल जाए। तो गाइस, सबसे पहले हम अपनी स्टैंड को ले लेते हैं। इसको हम पूरा खोल लेंगे ऐसे, और ये है इसका हुक नीचे वाला फिलिप। इसको हम यहाँ पर फंसाएंगे ऐसे करके, और इसको हम यहाँ से टाइट कर देंगे। और इसको हम यहाँ से टाइट कर देंगे। टाइट करने के बाद और हम यहाँ पर अटैच करेंगे इसको, और इसको हम ऐसे कर लेंगे। और भाई, अब हमारे पास आती है हमारी माइक की। ये हमारा स्पेशल माइक है, गोल्डन कलर का, बहुत बेहतरीन है। तो इसको आप ये देख लेना कि इसके अंदर जो माइक लगा हुआ है उसका मुंह सिर्फ आपकी तरफ हो, ये टेढ़ा मेढ़ा ना हो। जैसे कि आप देख सकते हो इसके अंदर है, तो मैं अपनी तरफ कर लेता हूँ ये और इसमें फंसाता हूँ। तो ये इसके अंदर फंस चुका है, तो आप देख सकते हैं जैसे कि। एंड अब आती है बारी इसकी वोकल की, ये वोकल कैसे लगाना है। ये यहाँ पर है, इसके अंदर दिया गया है लूज करने का। इसको लूज कर सकते हैं पहले आप, फिर इसको आप यहाँ पर लगाएंगे। और गाइस, फिर लगाते हैं हम इसके ऊपर अपना ये फिल्टर, और हम जो है यहाँ पर अपना माइक लगाते हैं। माइक के यहाँ पर एक क्लिप दी हुई है, ये बटन दिया हुआ है, ये बटन इसके अंदर दबाना है। देखना है आपको कि कहाँ पर जा रहा है। ये लग चुका है हमारा माइक। एंड फिर बारी आती है हमारे इसकी। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है इसमें लिव वन लिव टू। इसमें आप अपना पियानो वगैरह या कोई म्यूजिक वगैरह लगा सकते हैं। यहाँ पर आपकी चार्जिंग दी हुई है, यहाँ पर ईयरफोन स्पीकर दिया हुआ है, अब आप दूसरा भी स्पीकर लगा सकते हैं, इसे कनेक्ट कर सकते हैं। एक हेडफोन दिया हुआ है हेडसेट, और एक कॉन्सीडर माइक दिया हुआ है। यहाँ पर हम लगाएंगे अपना कॉन्सीडर माइक, ये देख सकते हैं जैसे कि ये यहाँ पर हमने लगा दिया है। और गाइज, इसको एक बार ये यहाँ पर पावर बटन दिया हुआ है, यहाँ पर इसमें चार्जिंग दी हुई है चार्जिंग, तो इसको हम चार्जिंग लगाते हैं। सबसे पहले एक ये कनेक्टर दिया हुआ है इसमें, यहाँ पर है ये कनेक्टर चार्जिंग वाला, तो हम पहले इसकी चार्जिंग केबल लगा देते हैं। ये हो गई हमारी चार्जिंग केबल, और इस पर एक चार्जर लगाते हैं हम। तो यहाँ पर है ये चार्जर, इस चार्जर को हम लगाते हैं यहाँ पर, और इस चार्जर को यहाँ पर लगा देते हैं। तो भाई देख सकते हो इसमें पावर आ चुकी है, पावर सप्लाई मिल रही है। और गाइस, इसमें अपनी आवाज को सुनने के लिए हमें कनेक्ट करनी पड़ेगी इससे हेडफोन। तो ये रहा हमारा हेडफोन का वायर, इसको हम लगाएंगे यहां पर हेडफोन में। और ये हमारा आ गया हेडफोन। अब हेडफोन को हम निकालेंगे इसमें से। इसका कोई काम नहीं है, तो इसको हम फेंक देते हैं। तो ये आ गया हमारा हेडफोन। हेडफोन के हमने वायर लगा लिए हैं यहाँ पर, ये लग गया हमारा हेडफोन का वायर। इसको हम डाल लेंगे अपने गले में जिससे कि हमें आवाज सुनाई दे। एंड भाई, अब हम कर लगाते हैं इससे अपना एक मोबाइल कनेक्ट कर लेते हैं। मोबाइल कनेक्ट करने के लिए हमें क्या, ये रहा हमारा मोबाइल, इसको हम इससे कनेक्ट करेंगे। एक बार इसको उधर कर देते हैं, ये आ गया यहाँ पर V8 लिखा हुआ, और इसको हम V8 पे कनेक्ट कर देते हैं। और ये कनेक्ट हो गया है मीडिया बजाने के लिए, तो हम देखते हैं जरा इसमें कुछ बजा के कि बजता है या नहीं बजता है।
तो गाइस इसके अंदर जो दे रखा है हमारा, ये हमारा माइक के लिए है कि माइक में कितनी आवाज करनी है, तो ये हमेशा फुल रखें आप। और ये हमारा आप देख सकते हैं इको बढ़ाने के लिए है, इसमें हम इको बढ़ा सकते हैं, इसमें हम इको बढ़ा सकते हैं। ये ट्यूबवेल दे रखा है, इसका ट्यूबवेल कर सकते हैं हम कितनी मोटी पतली आवाज। ये बेस के लिए है, ये रिकॉर्ड के लिए है, रिकॉर्ड में आप कितनी आवाज कर सकते हो कि अपने फोन में जो रिकॉर्ड हो रहा है आपके, तो इसको आप उतनी आवाज कर सकते हो रिकॉर्डिंग से। एंड ये आपका म्यूजिक के लिए है कि म्यूजिक कितना बजना चाहिए, कितना नहीं बजना चाहिए बैकग्राउंड में। और ये मॉनिटर है, ये मॉनिटर इसमें काम कर रहा है, इसमें आवाज आ रही है, आपको नहीं सुनाई दे रही होगी। तो गाइस हम इसके साथ एक फोन और कनेक्ट कर लेते हैं। इसको हम लिप वन में लगाएंगे मोबाइल को। यहां पर ये कनेक्ट हो चुकी है, हम चार्जिंग पिन इसमें से निकाल देंगे क्योंकि हमारा फोन चार्ज कम है। ये चार्ज हो चुका है और हम इसके जो है रिकॉर्डिंग पे जाएंगे। हम इसकी रिकॉर्डिंग पर आ चुके हैं। तो गाइस अब मैं स्टार्ट करता हूं, म्यूजिक इसका स्लो कर देता हूं और आवाज इसकी तेज कर देता हूं। और यहां पर अपने माइक कर लेता हूं और माइक की रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूं। हेलो 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 हेलो। तो ये आप मेरी आवाज सुन सकते हो, कैसी आ रही है आपको आवाज बता सकते हो आप, देख सकते हो आप कितनी शानदार आवाज आ रही है आप। ये मेरा बेस का है, ये ट्यूबवेल वगैरह है इसमें, ये देख सकते हो। और यहाँ पर एक मॉनिटर के नीचे टॉगल का ऑप्शन दिया जाता है, हेलो, इसको हम दबाते हैं तो देख सकते हो आप कैसी आवाज आ रही है। हेलो 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 हेलो, तो आप बताएं गाइस कैसी आवाज आ रही है, देख सकते हो आपको कैसी आवाज लग रही है बताना ना भूलना बिल्कुल भी। हेलो हेलो हेलो, तो भाई ये एमसी का एक और कुटा जाता है यहाँ पर एमसी का। तो इस एमसी में आपको क्या करना है, जैसे आप इसको ओके कर दोगे तो जैसे आप अब मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर म्यूजिक कम हो जाता है, और मैं जब चुप हो जाऊँगा तो म्यूजिक इसमें लाउड हो जाएगा, जैसे कि आप अभी देखना। हेलो, देख सकते हो आपके मेरे बोलने से म्यूजिक जा रहा है और मेरे ना बोलने से म्यूजिक और तेज हो जाता है, एक शॉक वेव आ जाता है यहाँ पर। हेलो, यहाँ पर आपकी आवाज कैसी हो रही है आप देख सकते हो। हेलो 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 हेलो, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो आवाज कितनी शानदार आ रही है, मेरे को बहुत बढ़िया सुनाई दे रही है। फिर आज एक और ऑप्शन है, हेलो 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 हेलो, अब आप देख सकते हैं मेरी आवाज कैसी हो गई है, यहाँ पर बिल्कुल बच्चे की तरह आवाज हो गई है, देख रहे हो ना गाइस कितनी बच्चे की तरह आवाज हो गई है, अब ऐसी आ रही है मेरी बिल्कुल बच्चे की तरह। फिर मैं इसको दोबारा दबाता हूँ, हेलो हेलो हेलो, अब बिल्कुल भूत के जैसी आवाज हो गई है मेरी, देख सकते हो आप, मजा आ रहा होगा आपको यार ऐसी आवाज सुन के। अब मैं दोबारा दबाता हूँ, हेलो हेलो हेलो, देख रहे हो आप कैसी आवाज आ रही है मेरी, बिल्कुल शानदार आवाज आ रही है और भाई साहब बहुत मजा आ रहा है, वाह। एक और देखते हैं, हेलो हेलो हेलो, देख सकते हो आप कैसी आवाज आ रही है इसमें, आप एकदम आदमियों की तरह आवाज आ रही है मेरी, देख लो। हेलो 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 हेलो, अब आप देख सकते हो कि मेरी आवाज कैसे गूंज रही है, यहाँ पर गूंज रही है आवाज। मैं जो इसको पतली करने, देखो अब यहाँ पे ट्यूबवेल इसकी कम कर दिया मैंने और अब मैंने इसकी ट्यूबवेल ज्यादा कर दी है। यहाँ पर बेस का है, बेस आप कितना भी रख सकते हो, देख सकते हो जैसे कि इसमें अब थोड़ी ज्यादा गूंज हो गई है। और यहाँ पर रिकॉर्ड का है, रिकॉर्ड आप हमेशा फुल ही करना इसका, और यहाँ पर माइक का भी फुल ही करना आप इसका, क्योंकि माइक से ही आवाज तेज होती है इसकी, देख सकते हो आप।
फिर यहाँ पर म्यूजिक का ऑप्शन आ जाता है, जितना आप मुझे खोलोगे उतना ही बढ़ेगा। देख सकते हो आप मेरे बोलने से म्यूजिक कम हो जाता है अपने आप, और जैसे मैं बोलना बंद करता हूँ ऐसे म्यूजिक चेंज हो जाएगा। गाइस आपको मॉनिटर, और आपको एक और चीज दिखा देता हूँ मैं, ये देखो इसके नीचे और बटन लगे हुए हैं, जैसे कि चीयर्स का बटन है, इसको मैं दबाता हूँ, और यहाँ पर एक और है, ये भाई कौआ बोल रहा है, और ये गन का है, आवाज आएगी इसमें से, कैसा लगा ये फ्री फायर? ये बहुत बढ़िया है। और यहाँ पर एक और आ जाता है, ये भाई रोस्टिंग वगैरह की वीडियो बनाने के लिए इससे बढ़िया माइक और कोई नहीं हो सकता, ये देख सकते हो, वाह वाह वाह, लॉकिंग का आ गया इसमें, यहाँ पर क्लैप, और यहाँ पर ये देख सको क्या बोल रहा है, ये किसका है? आप मत दे देना मुझे। और एक और आ जाता है यहाँ पर, दिले 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 मिले 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 मिले, और भाई एक और है। तो गाइस कैसा लगा आपको हमारा ये अनबॉक्सिंग का और फुल डिटेल वाला नॉर्मल का व्लॉग था ये, तो आपको कैसा लगा हमें बताना बिल्कुल भी ना भूलना। और आपके भाई ने देख सकते हो इतना सारा झंझट सिर्फ और सिर्फ भाई आप लोगों के लिए, मेरी फैमिली के लिए है ये सब चीज, तो आप लोग मेरा सपोर्ट करें दिल से, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, क्योंकि आगे आने वाले कॉन्टेंट बहुत ही ज़्यादा मस्त होने वाले हैं और आपको भी मज़ा आएगा। तो भाई करते हैं हम आज के व्लॉग का एंड, और मिलते हैं आपसे दूसरे किसी और नए व्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, वंदे मातरम मातरम।